बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोई अमरीकी फौजी अड्डा नहीं चाहते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अमरीका को वाज़ेह कर दिया। गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका को पाकिस्तान की ज़रूरत सिर्फ अफगान अमन अमल के लिए है। अमरीका ने भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया, जिस वजह से पाकिस्तान से सलूक मुख्तलिफ है। अमरीका समझता है पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान में फैलाए गए 20 साल का गंद साफ करने के लिए है। अफगान तालिबान अशरफ गनी के होते हुए मुज़ाकरात पर राजी नहीं। अफगान हुकूमत अमरीका को दोबारा लाने की कोशिश कर रही है। तालिबान की अफगानिस्तान में कार्रवाइयां शिद्दत इख्तियार कर गईं। कंधार के करीब झड़पें। तालिबान ने सरपोसा जेल पर हमला करके 1000 कैदी रिहा करवा लिए। 8 सूबाई दारुल हुकूमतें अफगान जंगजुओं के कंट्रोल में। काबुल की जानिब पेशकदमी जारी। कराची के इलाके टीपू सुल्तान रोड पर घर में खौफनाक आतिशबाजी। 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद की मौत घर में धुआं भर जाने के बायस दम घुटने से हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दम घुटने से एक फायर फाइटर भी बेहोश। पुलिस का कहना है आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आतिशबाजी के वक्त तमाम अफराद घर में सो रहे थे। मुल्क भर में डेल्टा वेरिएंट का फैलाव शिद्दत इख्तियार कर गया। कोरोना से अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों में 102 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजीद 4934 नए मरीज। मस्बत केसेस की शरह 8.5% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद के मजीद 15 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। सिंध में यौम आज़ादी के मौके पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अलामिया के मुताबिक खवातीन, बुजुर्ग शहरी, सहाफ़ी, माजूर अफराद, 12 साल से कम उम्र बच्चे, सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। मुल्क भर में सूरज आज सवा नेज़े पर। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों के मौसम गर्म रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी की पेशगोई। हेडलाइंस आपने जानी। टैलेंट न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।